भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन बैंक रोड स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, भाजपा के सदर लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला, डॉक्टर रवि कांत, डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर पूनम सिंह सहित अन्य चिकित्सक, व्यापारी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन का आयोजकों द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। अपने संबोधन में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने केंद्र की मोदी और प्रदेश के योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए लोगों से गुहार लगाई। रवि किशन ने कहा, जो लोग हमें नचनिया बोलते हैं वे सुन लें, हम कलाकार हैं और कला के माध्यम से लोगों को रोजगार देते हैं। हम किसी की जमीन नहीं हड़पते हैं, हम डकैती चोरी नहीं करते हैं, हम एक्टर हैं और फिल्म सिटी बनाकर 50,000 लोगों के घरों में चूल्हा जलाने का काम करते हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जो लोग रवि किशन को बाहरी कहते हैं उनको बता दें कि रवि किशन शुक्ला के पूर्वज गोरखपुर जिले के ही मामखोर के निवासी हैं और परिवार के भरण पोषण के लिए जौनपुर चले गए थे। आप लोगों से आह्वान करने आया हूं कि रवि किशन को भारी मतों से विजयी बनाए। छुट्टी न मनाए और पहले मतदान फिर जलपान का काम करें। पार्टी ने भी और समाज ने भी और आप लोगों के सहयोग से सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। हम लोगों ने साधन वाहन भी बूथों पर लगाए हैं। ये जानकारी आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं, जहाँ दिव्यांग हों, जहाँ इस प्रकार के जो महिला हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं जा सकते बूथ पे, तो आप लोग उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ कार्यकर्ता है, समाज का जो कार्यकर्ता है, उससे बातचीत करके साधन वहाँ लगा के अपने भी साधन लगा करके एक एक मत हमारा पड़ जाएगा। जिससे द्वारा जानते हैं। खैर, मैं मानखोर का हूँ, मानखोर पार्टी हम लोग वहाँ की शुक्ला, और उसके बाद जो एक इतिहास है जिसका मैं इस समय वो बातें नहीं करूँगा, लंबी कहानी है मेरे जीवन की। बस ये कि एक लाइन में लोग चल कर आते हैं, मैं रेल कर ऊपर आया, अपनी लड़ाई लड़ी, खुद का एक बैटल किया, एक भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई जिससे आज 50,000 परिवार का चूल्हा जलता है। रोजगार चूंकि मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं रोजगार देने में मैं हमेशा आगे रहता हूँ, और वो प्रेम ईश्वर की कृपा है। मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि इस वक्त देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है। मैं आप लोगों का आशीर्वाद इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हमको एक मजबूत सरकार चाहिए और उसकी सख्त जरूरत है। मैं आप लोगों का आशीर्वाद इसलिए चाहता हूँ क्योंकि पूज्य योगी महाराज जी ने गोरखपुर को स्वर्ग बना दिया मेरी नजरों में। मैं यहाँ 2002 से आ रहा, बहुत शूटिंग की मैंने यहाँ, बहुत शूटिंग की भोजपुरी फिल्मों की, और मैंने 2002 वाला भी गोरखपुर देखा है और 2019 वाला भी। तो पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर अपनी आत्मा छोड़ दी, और मैं उनका सानिध्य मुझे मिला है, और मैं जितना मैं जानता हूँ उनको, जितना जान रहा हूँ उनको, उनके 24 घंटे निरंतर चलता रहता है कि गोरखपुर और अब उत्तर प्रदेश उसका विकास कैसे। विकास बहुत जरूरी है देश के लिए, क्योंकि ये देश क्या था, हम विदेश बहुत रहे हैं, विदेशों में हम 600 फिल्म कर चुके हैं। मैं इस देश की हर भाषा में काम करता हूँ, तो उससे शायद मैं कोई विदेश की कंट्री छूटी होगी। चकाचौंध की दुनिया और सब कुछ हम 28 साल से देख रहे हैं, और विदेशों में रहते हुए भी मैंने देखा कि कैसे वहां का ग्रामीण क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कंट्री साइड बोलते हैं, वो कैसे ग्रो करता है, और वो शहर से कहीं कहीं ज्यादा आधुनिक होता है। ऐसे ही देहात होता है, वैसे ही खेती होती है, लेकिन उनकी पद्धतियां और उनके पास जो हाईटेक चीजें हैं वो बहुत अलग है। हॉस्पिटल्स भी अलग हैं जो कंट्री साइड के, जो देहात के। सो विकास जब हम सोचे कि गोरखपुर में एम्स आ गया, ये मेरे लिए काफी शॉकिंग और सरप्राइजिंग रहा, और मात्र 2 साल में 150 एकड़ का, जहां पे आप लोग जानते हैं कि ओपीडी की सुविधा भी शुरू हो गई,
फर्टिलाइजर भी आ गया, यहाँ पे चीनी कारखाना भी शुरू हो गया, सड़कों का जाल 8 जहाजें शुरू हो गई। अब मैं मुंबई डायरेक्टली जाता हूँ तो कुछ कहेंगे कि हीरो उड़ जाएगा, जीतेगा, उसके बाद चला जाएगा, तो 2 घंटे कहीं जाऊंगा, 2 घंटा में लौट आएंगे वापस। तो वो ना मोहद्दीपुर में मकानों ले लिए और महरारू भी हमारा आ गया। तो विरोधी के वो बात खत्म हो गई, घर से कहाँ जाए, कार ना हो गया, बिजली बा, एयर कंडीशन चलाता, अच्छा मॉल बाटे, शूटिंग करब, रामगढ़ ताल पे लेके शूटिंग करब, उसमें जंगल में चल जाए विलन के मारे के बाद। एक फिल्म बहुत समय से मेरा सपना था कि फिल्म इंस्टीट्यूट होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी मुंबई में, पहले बम्बई हुआ करता। तो सपना था कि मेरे जैसे लड़कों में ताकत नहीं होगी लड़ने की, मैं लड़ाकू हूँ, योद्धा हूँ, लोग हार जाते हैं, मैं हारता नहीं, तो कुछ होना चाहिए। तो एक MOU मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से 1 साल पहले मैंने MOU साइन किया और मैंने 150-200 एकड़ जमीन मांगी थी। मुझे यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे दिल्ली में है उसी तर्ज पर, और रामोजी स्टूडियो हैदराबाद में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के लड़के, बिहार के लड़के, झारखंड के लड़के सीधे यहाँ आए और बच्चे ट्रेंड हो। कला एक ऐसा क्राफ्ट है जिससे आप रोजगार पा सकते, लेकिन कला एक्टिंग नहीं होती। जैसे अखिलेश बाबू ने हमको नचनिया बोल दिया एक भाषण में कि महाराज जी नचनिया लिया है। हाँ, ये मेरा शायद पाप होगा कि मैं एक पुजारी, गरीब पुजारी के घर जन्म लिया, मेरे पिताजी मुलायम सिंह यादव ने, मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, ये मेरा शायद पाप होगा, इसीलिए वो हमको नचनिया बोले। मैं कलाकार, मैं अपनी कला, माँ भगवती की कृपा है, मैं अपनी कला से मैं यहाँ पर पहुँचा और आज पूरे विश्व मुझे जानता, ना कि हिंदुस्तान। आप लंदन में भी जाएंगे, मेरे फैंस होंगे, अब मैं जितना पॉपुलर यहाँ हूँ मैं उतने ही पॉपुलर आंध्र प्रदेश में तेलुगु फिल्मों में भी। मैं हर भाषा में एकमात्र एक्टर हूँ मैं विश्व का जो हर भाषा में काम किया सुपरस्टार रहते हुए। तो खैर, उन्होंने हमको जो भी कहा उनका वो सोचना है। मैं कलाकार हूँ और कला के क्राफ्ट को जानता हूँ, श्याम बेनेगल से लेकर मणिरत्नम, हर देश के सारे बड़े डायरेक्टरों के साथ हमने काम किया और बड़ा सम्मान मिला है, देश के सारे अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। और सही बात की मुझे यहाँ पे क्षेत्र में हम सोच रहे थे रंगमंच के तरीके से टोला बनाए और बच्चे वहाँ सीखे, बहुत विधा है, एक्टिंग के अलावा एडिटिंग है, मेकअप है, डांस है, म्यूजिक है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, वेब सीरीज है, कैमरा वर्क है, लाइटिंग है, अनगिनत है। आप रोजगार दे सकते हैं क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे पास उतने जॉब्स नहीं है, सरकार भी नहीं क्रिएट कर पा रही। फर्टिलाइजर हो गया, वहाँ कुछ 1,00,000-50,000 काम करेंगे, चीनी कारखाना, आपको क्रिएट करना पड़ा, स्वयं भू बनना पड़ेगा। देश बड़ा है, 130 करोड़ की आबादी, जॉब्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, भांत भांत विधास, बिकॉज हर साल 18 साल के बच्चे हो जाते हैं, रोजगार चाहिए ही चाहिए, उसमें किसी का दोष नहीं है, ना तो उस जनता का है ना सरकार का, लेकिन हम ही लोगों को जॉब्स क्रिएट करने होंगे इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए। मीडिया के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबसे सही बात और सबसे खटकने वाली बात दोनों ही मीडिया करता है। किसी ने कहा कि नहीं कहा, मैंने जानता, आने के बाद मीडिया ने सबसे पहला सवाल जरूर उठाया पहाड़ी। गोरखपुर की मिट्टी इतनी उर्वरा रही है, यहाँ के लोग अलग अलग स्थानों पर जा करके उस स्थान को ऊर्जीकृत करते रहे, स्थिति में इनके भी पूर्वज जौनपुर में जाकर के बसे थे इसी मार्ग पर।
ने पुकारा, बेटे तुम भी चले आओ घर, और बेटा चला आया तो कम से कम परिवार वालों को यह लगना चाहिए ना कि मेरा बेटा आया है। तो उसको फिर का गाना है ना, देश पुकार का है, देश पुकार है। भाई बहनों, सब लोग इस बात को जानते रहे, गोरखपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट रही। अवैधनाथ जी के समय से हम उनके साथ विधायक हुआ करते थे, वो हमारे सांसद हुआ करते थे। और मैं 89 में विधायक हुआ था, आदित्यनाथ जी 98 में पहली बार सांसद हुए। लेकिन आदित्यनाथ को जो संरक्षण मिला अवैधनाथ जी का, वही संरक्षण मुझे भी अपने बगल में रखते थे। किसी भी मीटिंग में हम लोग साथ साथ रहा करते, उनका आशीर्वाद सचमुच हुआ। एक देव पुरुष के रूप में थे, एक सन्यासी के रूप में थे। अवैधनाथ जी प्रतिज्ञता होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि गोरखपुर के लोगों में है, उन्होंने हमेशा करके दिखाया है। आप करके जब करने लगोगे, हमको तो एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने अपने कार्यों के द्वारा आज देश से जाति एकता के लोगों की जो दूरी जो राजनीति में लोगों ने चलाया था वो तोड़ने का काम किया। बैठे डॉक्टर, कहाँ जा रहे हैं, चलो बैठो। मैं क्या राज्य मंत्री हूँ, 13 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, कभी भी नहीं कहा था नौकरी दूंगा। तो 13 करोड़ में अगर 2 करोड़ होता है तो 5 साल में 10 करोड़ होते हैं, और हमने 13 करोड़ लोगों को दिया है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उससे अधिक ही करके दिखाते हैं, तो 13 करोड़ लोगों को दिया। 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का हुआ गैस का सिलेंडर, जो लाइन लगा करके आप लोग लेते थे, आप जैसे लोग अपने नौकरों को भेजते थे कि जाओ भाई ले आओ, दिन भर लगा देता था, तब कहीं जाके एक सिलेंडर मिल जाता था। हमने तो 8 करोड़ परिवारों में वो गैस का सिलेंडर बिना एक नया पैसा दिए भी पहुंचाने का काम किया, बिना एक पैसा दिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया। शौचालय तो भारत सरकार से आया, लेकिन नाम उन्होंने क्या दिया, इज्जत घर। इज्जत घर कितना अच्छा नाम है। आम तौर पर लोग आपको बोलते हैं फला के साथ ये हो गया, फला के साथ वो हो गया, शौच के लिए गई ऐसा हो गया। वह इज्जत किसी की कोई देखे ना लूटे ना, उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने नाम दिया इज्जत घर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, हमने किसी का नाम नहीं लिया है। हमारा नेता इसी से जाना जा सकता है, वह एक व्यक्ति जो कभी गुजरात का मुख्यमंत्री था, छोटे से प्रदेश का मुख्यमंत्री था, यूपीए के समय में अपने अमेरिका में रहने वाले मित्रों से जाकर के मिलकर के गुजरात में कुछ उद्योग स्थापित करो वीजा मांग रहा था, वीजा इस साथे नहीं दिया गया, यूपीए की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वीजा तुम्हें नहीं दे सकते हैं क्योंकि तुमको सांप्रदायिक हो। और वही सांप्रदायिक व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो अमेरिका से पत्र आता है कि आओ भारत और अमेरिका के संबंधों को पूरी तौर पर संगठित किया जाए। तो पहली बार जब पत्र आता है वहां के राष्ट्रपति का, लोगों को तो अच्छा लगता है कि अमेरिका का पत्र है तो हम चले। प्रधानमंत्री अमेरिका न जा करके भूटान गए, इतना सब प्रति सा देश है। दूसरा पत्र आया श्रीलंका गए, तीसरा पत्र आया तो म्यांमार,
और बांग्लादेश की यात्रा की है और अंत में वहाँ के राष्ट्रपति ने फोन किया कि भाई क्या बात है कि मैं तीन तीन पत्र भेज चुका आप आ नहीं रहे। उनका बातें हैं, मीडिया ने जब यहाँ पूछा तो उन्होंने कहा भाई मुझे पहले जरूरत थी कि अपने देश की सामरिक स्थिति को मजबूत करना, हमारे आसपास के देश अगर मेरे साथ रहेंगे तो ही अमेरिका मेरा साथ देगा। निश्चित रूप से आप उसके पक्ष में उसी तरह से लगे जैसे घर के लोग जो बाहर ही बताना चाहते हैं, जवाब उन लोगों को दीजिए तो सांप्रदायिकता की स्थिति में, जातिवाद की स्थिति में जवाब उनको भी दे दीजिएगा जो पिपराइज की सभा में अखिलेश यादव ने हमारे प्रत्याशी के विषय में कहा था और उसका एक ही जवाब होगा, कमल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना, इतना दबाना इतना दबाना इतना दबाना कि दबाते दबाते वह निश्चित रूप से 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा पार कर जाए।